बच चुका है। गांव गांव में जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। जगह जगह गांव में जो है उम्मीदवार खड़े हैं, चुनावी चौपाल कर रहे हैं लोग। आज हम खड़े हैं जिला पंचायत के वार्ड 14 में, गांव पीपल शाह में, जहां जानेंगे कि क्षेत्रवासियों से कि कितना विकास हुआ पिछली योजना में और आगे वो क्या रणनीति तय कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। किस तरह का माहौल इस समय गर्मा गया है, चाहे विकास की बात हो चाहे अन्य मुद्दों की बात हो, बात करेंगे हम चुनाव को लेकर। देखिए हम यहाँ गांव पीपल शाह में जिस तरह का माहौल है, यहाँ पर पूरी चौपाल लगी हुई है, पंचायत शुरू होने वाले हैं चुनाव, और चुनाव की तैयारियां बिल्कुल पूर्ण हो चुकी हैं लगभग, और चुनावी चौपाल जो है ज्यादातर चल रही है। यहाँ पर क्षेत्रवासियों से जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, पिछली योजना में कितना कार्य इस गांव में हुआ है, आज ये बात करते हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ पीपल शाह के गांव के घेर में जो है जिस तरह से पूरी पंचायत का आयोजन किया गया है, एक पंचायत चुनावी चौपाल चल रही है। यहाँ सभी सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस चुनावी चौपाल में, और आज ईटीवी भारत से रूबरू होंगे यहाँ के क्षेत्रवासी और बताएंगे अपनी अपनी समस्याओं से कि किस तरह से पिछली योजनाओं में यहाँ पे विकास कार्य हुए या कुछ कार्य हुए या नहीं हुए, आइए बात करते हैं। आपका नाम? राहुल सिंह। राहुल जी, किस तरह के यहाँ पर कार्य हुए पिछली चुनावी योजना में? ऐसा है, यहाँ पे जिला पंचायत में जो हमने मेंबर जिताए थे, जो मेंबर यहाँ पे जीतने के बाद दूसरे क्षेत्र में निकल गए, उनकी तरफ से तो कोई यहाँ विकास कार्य हो नहीं पाए। लोगों बागों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा, क्या चुनाव लड़ूंगा, आप अपना नया जिला पंचायत बना के अपना विकास कार्य करो। आपका नाम? मेरा नाम ललित राणा है। ललित जी, यहाँ पर किस तरह के विकास कार्य हुए पिछली योजना में है, विस्तार से थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला पंचायत सदस्य जो चुना जाता है और जब उसका अध्यक्ष बनता है तो वहीं पर केंद्रित होती है सारी विकास की नीतियां और क्षेत्र। दुर्भाग्य ये रहा कि जो जिला पंचायत यहाँ पर चुने गए वो दूसरे वार्ड में तैयारी में लग गए, उन्हें लगा कि कहीं आगे रिजर्व हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चिकित्सा और शिक्षा को लेकर ये क्षेत्र अभागा है। यहाँ कोई राजकीय ना तो विद्यालय है, ना ही राजकीय पॉलिटेक्निक है, ना राजकीय बालिकाओं के लिए कोई यहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था है। स्थानीय स्तर पर भी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत दयनीय है, और कॉन्वेंट स्कूल भी जो है वो गिने चुने और दूर हैं, जिसको लेकर बहुत मायूसी यहाँ के लोगों में है। अच्छा, किस तरह की आप चाहते हैं कि विकास कार्य किस तरह के हों, जैसे चुनावी माहौल इस समय चल रहा है, आने वाले समय में आप किस तरह का विकास चाहेंगे गाँव? देखिए, विकास गांव का और गांव से बाहर का, चूंकि जिला पंचायत सदस्य गांव के बाहर की परिसीमा में विकास कार्य कराता है, केवल सड़क और खरंजा ही विकास का मापदंड नहीं है। शिक्षा चिकित्सा जो सहूलियत आज नजदीक होनी चाहिए, जिसकी पहली प्राथमिकता गांव के नागरिक की होती है, उसमें ये क्षेत्र अभागा है। और उसमें यहाँ के स्थानीय विधायक जो यहाँ पर मंत्री भी हैं और जिला पंचायत सदस्य ने बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया है, और वो लोगों के बीच आना भी पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात, कोई पंचायत के बाद इतने वादे किए जाते हैं क्षेत्रवासियों से, लेकिन जीत के बाद कोई भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। और भी क्षेत्रवासियों से बात करेंगे हम, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का यहाँ पे विकास कार्यों को अंजाम दिया गया। आपका नाम? मदनपाल। मदनपाल, किस तरह के विकास कार्य हुए? यहाँ तो जिला पंचायत बड़ा झंझा भी नहीं आने का, वो जो जिला पंचायत का वार्ड मेंबर है 14 का, वो तो झंझा भी नहीं आने कहेंगे। किस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं? कुछ भी नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, वो तो कहने का क्या कहता फिर, उन्होंने कुछ करे ही। कौन कौन से काम चाहते थे, उम्मीदें क्या रखती थी? ये थे गांव में खड़ंजे फड़ंजे लग जा और या कुछ हो जा, पर उन्होंने कुछ नहीं करा ना, कुछ नहीं करा तो उतली गांव में तो उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई कहीं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली योजना में गांव में एक ईंट भी नहीं लगाई गई। हम और भी लोगों से बात करेंगे, हो सकता है ये कहीं कंफ्यूज हो कि किस तरह का विकास कार्य बाहरी क्षेत्रों में हुआ हो। आपका नाम? रविंदर कुमार। रविंदर जी, आप यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, क्या जमीनी स्तर पे क्या कहेंगे कि यहाँ विकास कार्य? नहीं, विकास कार्य तो नहीं हुए यहाँ पे, बहुत कम पिछड़ा रहा ये एरिया। और आगे मेरा तो विचार ये है कि ये जो चुनाव है इनको भी रिजर्वेशन का, यहाँ जो मतलब हम ये हमारे यहाँ जो ये रिजर्वेशन चल रहा है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, मतलब हम ये मानते हैं, और वन टाइम होना चाहिए, इसका जो है यही मूल होना चाहिए। सर,
दिक्कत सी। यानी कि आपके हिसाब से यहाँ जो आरक्षण जिला प्रशासन ने तय किया है वो पूर्ण रूप से गलत है? क्या गलत है? मतलब रोक दिया गया, जो तैयारियां कर रहे थे वो लोग जो है अपने लड़ नहीं पा रहे, जिस कास्ट का ज्यादा हो वहाँ पर रिजर्वेशन उसी का होना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए। यानी कि ये कहा जाए कि आप इस आरक्षण से भी संतुष्ट नहीं है, क्या मान के चल रहे हैं? यदि इस तरह के आरक्षण आ रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से, इसे क्या कहेंगे? नहीं, जो आदमी लड़ने लायक है उनको लड़ाना चाहिए ना, थोपना नहीं चाहिए कि कोई लड़ने। आरक्षण की बात करें तो जातिगत आधार पे आरक्षण किया जाता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? आरक्षण भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर देख के होना चाहिए हर जगह। जैसे बता रहे थे अभी कोई एक ही वोट है एक गाँव में SC की, तो वहाँ भी कर दिया, तो आर्थिक आधार पर हो आरक्षण जो है। बिल्कुल, आरक्षण से भी यहाँ के क्षेत्रवासी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और भी हम बात करेंगे। आपका नाम? अंकुश कुमार जी। अंकुश, यहाँ आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 14 से रहने वाले। क्या बताना चाहेंगे? सर, एक घोषणा की थी सरकार ने कि गांव-गांव में टॉयलेट बनेंगे सबके घर में, जिसे सुनकर बहुत अच्छा भी लगा था कि खुले में मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन पहली किस्त तो टॉयलेट की आई, सबकी आई। जब दूसरी किस्त आने की बारी आई ना, तो जो इसने सेक्रेटरी को पैसे दे दिए उसके तो आगे, वरना फोटो खिंचवा लो और अपने पैसे से उसे बना लो। अच्छा, इतनी जिला पंचायत की इतनी बड़ी योजना में फंड रिलीज करती है सरकार, आपका क्या कहना है कि इस गांव में फंड रिलीज हुआ ही नहीं? इस गांव में हुआ सर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पहली किस्त आई। ऐसे आपको यहाँ पे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी दूसरी किस्त आई नहीं है, उसमें पैसा बीच में कहीं गमन हो गया, पैसा दूसरा ही खत्म हो गया। आप इनसे पूछ लो, ताऊ जी हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ताऊ जी से भी बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या है। आपका नाम? भीम सिंह। भीम सिंह जी, क्या आपके वार्ड में, किस तरह का गांव में इस समय चुनाव का माहौल है? हाँ जी, क्या माहौल है? एक तो यही बताया जी, अभी जो शौचालय वाला, और हमारा तो जब सरकार बनी है 1 लाख रुपए की सरकार ने घोषणा करी, गाड़ी पर लिखवा दिया, और वो उन्हीं के जो डिफॉल्टर थे। क्या गाड़ियों पर लिखवा दिया? गाड़ी पर लिखवा दिया कि उत्तर प्रदेश में इतने पता नहीं कितने किसानों का, 86,000 किसानों का, और 1 लाख रुपए उनका माफ कर दिया। और जबकि उस समय वंचित रहे काफी किसान, जो छोटे किसान हैं हम भी, उनसे सब वंचित रहे। शौचालय में भी ऐसा ही रहा, और भी ऐसा ही है, जो मतलब नीचे तक यहाँ तक योजना नहीं आ रही, वो बीच में ही वहीं अटक जाए, कहाँ रह जाए। हम जो है ये सरकार तक पहुँचाना चाह रहे, जो सरकार घोषणा कर रही है कि हम जो है आम आदमी तक सब जो है ये पहुँचाना चाह रहे, और जन तक भी आ नहीं रही। सरकार नो कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे, तो क्या हो रहा है ये? अब भी नहीं है। आपने भी आवेदन किया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें कुछ नहीं है जी। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बीच में अटक गई, जन तक कुछ नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक कागजों में चलकर रह गई है, सरकार की बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ सभी समुदाय के लोग बैठे हैं। आपका नाम? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, आप कहाँ, कौन से गांव में रहते हैं, इस समय चुनाव का माहौल है, किस तरह के प्रलोभन देकर जो है मतदाताओं को रिझाने का काम करते हैं? मैं भैसानी इस्लामपुर गाँव का रहने वाला हूँ जी। समस्या एक नहीं है जी, समस्या तो अनेक है। आप कृषि बिल को देखिए, सरकार किस तरह जिद पर अड़ी हुई है, और जिद जो है इसमें इतिहास गवाह है कि जिद ने सरकारें खत्म कर दी हैं, सत्ता को जिद ने ही खत्म किया है, फिर भी हमारी सरकार समझ नहीं रही है। और रही योजनाओं की बात जो आप कह रहे हैं, योजना तो हमें चमन की चाहिए, हमें पिंजरे की योजना नहीं चाहती। पिंजरे में 10-5 फूल डाल दें या उसे ऊपर तक भर दें और ये कहे कि ये चमन है, हम नहीं कह सकते उसे, वो पिंजरा है, पिंजरा रहेगा। फूल एक वहां खिले, एक वहां खिले, चमन को चमन रहने दिया जाए। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। किस तरह से भावनाओं को ठेस पहुंचाई? अब देखो, आप जो योग्य है इलेक्शन के, जो योग्य है विकास करने के, जो समर्थ है, जो सक्षम है, वो खत्म कर दिए हैं, और जो योग्य नहीं है, जो बेचारे ये भी नहीं जानते कि किस तरह काम होगा, उनके लिए रिजर्वेशन दे दिया। हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछली योजना में क्या क्या कार्य हुए यहाँ पर गाँव? पिछली योजना में कार्य, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये कहाँ तक मैं आपको गिनवाऊंगा। ये जो काम है, आप ये मानिए 2 कमरे हैं, इसमें आप मुझे बिठा के कहें आओ आपको हलवा खिलाऊंगा, आपको दूध पिलाऊंगा, और आइए इस कमरे में आपका गला घुटूंगा, तो ये कोई योजना या उसे मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? पाल। आप
मैं दूधली का रहने वाला हूँ जी। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ जी, जिससे जिला पंचायत बनी थी जी। मैं गांव में आलो दर्शन नहीं दिखाई, कितने वादे कर रहे थे उनको, हम ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ। मेरे घर पर लैटरिन तरलक नहीं बनी जी। लेकिन सरकार का तो कहना है कि हर घर में, ग्रामीण अंचलों के हर घर में शौचालय होना चाहिए। तो जी कुछ भी नहीं बनाई, नहीं गोड़ो गोड़ो पानी भर रहा हर गली में। पैसा तो रिलीज किया सरकार। हाँ हाँ, कहाँ गया वो पैसा? तो उन्होंने खा लिया और हमने खा लिया जी, हमारे लोग आया नहीं कुछ भी। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे शौचालयों की बात हो, नाली खड़ंजों की बात हो, कोई भी काम इस गांव में नहीं हुआ है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये आपका नाम? ठाकुर बेजपाल सिंह, गांव भमेला। ठाकुर साहब, यहां गांव में किस तरह का? बस क्या क्या गिनवाऊं भाई, पहले तो यही देख ले जहां या पंचायत हुई। यो आदर्श गांव माता गोद कह दे, गोद नामा हो गया पिपड़ सागा, जो हमारे संसद है उनने गोद ले लिया था। और इसी की हालत देख ले भाई, यही अंदाजा लग जाएगा गोद नामा हो गया, कितनी बड़ी तरक्की हुई इस पिपड़ सागा। अगर सही सलामत थारी गाड़ी पास हो जा भमेले। अच्छा, जैसे ये त्रिस्तरीय चुनाव है, जिला पंचायत है, इसमें तो ऐसी तेजी होगी, कतई खत्म मामला बैठा हुआ। मंगनपुर को देख ले, केला घर है, तीन वोट है। बमेले को लेके चलो, एक घर झीमर का है, एक घर जोगी का है। सत्यानाश उड़ा दिया, कतई धक्काबाजी हो रही, तलपट राजा चौपट नगरी, जो धंधा हो रहा भाई कुछ नहीं हो रहा। तो आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है या जिला प्रशासन के इस आरक्षण से? अब आरक्षण लगा ले या सरकार लगा ले, दोनों निमान ले, रण मिल गई तो ऐसी तेसी के रे की छड़ोगी, देहात की मजदूर की सारी ज्वाइंट हो जाओ उसमें। तो सरकार है तो प्रशासन भी है, प्रशासन मारी मान जा, सरकार की मान जा। यानी कि कुल मिला के बात कही जाए तो कोई विकास नहीं है। हलचल मनु कह रहा, हलचल होगी सारी पब्लिक। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत कहीं करो जा, रो जाओ, झिझाओ जा, 2000 रुपए दे, ये ड्रामेबाजी हो रही। मैं इतनी किस्त कर दी फलानी, मैं ही अपने को बता रहा, 2 किस्त आई। लेकिन बात करें तो चुनकर भी आप ही भेजते हैं उसे उम्मीदवार को, तो क्या हुआ? देख ले उम्मीदवार आज लो, वो जो उनसा गोद ले गया था, गोद तो ले गया इसे पीपड़ सा, और मेरे अंदाजे में सारी पब्लिक बैठी, पूछ लो दूसरे ग्रामीणों से बात की। क्या है वो सरकार की कोई भी योजना हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ इस गाँव में संतुष्ट नहीं है, चाहे खड़ंजे की बात करें, चाहे नालियों की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, कोई भी लाभ इन्हें पिछली योजना में नहीं मिला है। आइए कुछ लोगों से और भी बात करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं इन लोगों की हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, पिछली योजनाओं की बात करें तो किस तरह का विकास आपके गाँव में? बजे विकास भी कुछ तो यहाँ कुछ नहीं है, नाम का ही विकास है, काम का कुछ नहीं है। लेकिन चुनाव में वोट डालने का अधिकार है आपको, आप ही तो चुनकर चुनकर तो भेजा है जी, हर साल इनका वो भी काम खोवेंगे। तो किस तरह के वो प्रलोभन देते हैं? प्रलोभन तो दे ही है भाई, ये भी होगा वो भी होगा, होता हुआ यहाँ कुछ नहीं। सांसद ने यहाँ गाँव गोद लिया था, कुछ भी नहीं हुआ, सब पड़ा मामला नुकसान हुई है, रास्ते भी पटे पड़े सारे। जी बस सबका हाल ही हुई है यहाँ तो, अब प्रधान ही है बेचारे, गाँव घूमे ये करा लो ना करा लो, कहीं था मैं भी अद बीच में पड़े रास्ते में तो नहीं जी। रणनीति तैयार की जा रही है आगामी चुनाव बिल्कुल क्या निर्णय लेंगे? निर्णय लेने के लिए यहाँ पर चुनावी चौपाल जो है आज लगाई गई है, क्या निर्णय निकलेगा इसमें आगामी चुनाव के प्रत्याशियों के लिए, कितना लाभ मिलेगा उन्हें इस गांव से, ये भी थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं हम क्षेत्रवासियों से। आपका नाम? जिले सिंह, मेरा नाम है जी, ग्राम पिपड़ सा। भाई लगाया क्या गांव के प्रधान थे, क्या मेंबर थे, और जिला पंचायत हो या एमपी हो, एमएलए हो, एक एमपी ने हम गोद लिए थे, पेट के भी नहीं छोड़ दे। लाइटिन व्यवस्था बता रहे थे हम, लाइटिन आई थी गाँवों में, हम मौजूद हैं, एक किस्त आई थी, दूसरी आई नहीं आज तक, रही सुधार की। प्रधान ही कहाँ लग रहा है बेचारे, प्रधानों पर शिकंजा ऊपर तक खज्जा। अगर प्रधान किसी प्रयास को माले, हम किसके पास जाएंगे, प्रधानों के पास में जाएंगे, प्रधान प्रयास करें उनकी कोई सुनता नहीं। लेकिन इतना पैसा सरकार से आता है, कहाँ जाता है फिर वो विकास कार्यों के नाम पर?
बस हमें तो एक बात का पता जी, 2014 में जब सरकार आई नु कहते भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और बेढ़िया। यहाँ तो देख लो तुम, कुछ नहीं है, ना स्कूल है, ना सड़क है, ना टॉयलेट है, जितनी घोषणा की सब रद्द होगी। हम तो सरकार को बिल्कुल असंतुष्ट है सरकार से जी। क्या आपने इस चीजों की शिकायत की कभी? बहुत शिकायत करी जी। मान लो फिर जी डीएम कार्यालय विज्ञापन दिए, एसडीएम लोग भी दिए, एडीएम लोग भी दिए, कोई सुनवाई नहीं है जी सर। कोई सुनवाई नहीं है ना जिला प्रशासन स्तर पर। इन लोगों का ये भी कहना है कि किस जो यहाँ के जिले के सांसद हैं उन्होंने इस गांव को गोद लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ की हालत जो है बद से बदहाल देखी जा सकती है। हम आपको तस्वीरों में आगे भी दिखाएंगे और बात करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा नाम बबली शर्मा है जी। यहाँ पे तो जो ऊपर से भेज रहे या तो नीचे वालों की कमी है या योगी जी का उन पर डंडा सही नहीं है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में सारे जितने भी हम बैठे यहाँ 100% लोग बीजेपी के हैंगे, परंतु ऐसा नाक में हमारे नकेल घाल दी। एक दिन इसी पिपर सा गाँव में यहाँ से हमारे विधायक आए जो विजय कश्यप जी, हमने एक बार यहाँ लोगों ने कहा उन्हें कि भाई यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है और हमारा मुजफ्फरनगर जिला यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर पड़े, यदि कोई बीमार हो जा या कोई लावारिस आदमी हो तो उसे हम कहाँ भर्ती करावे। उन्होंने हमें क्या जवाब दिया कि उसके लिए हमें जगह दे दो। हमने कहा आपके आपके जो आप मंत्री हैं और हम एक आम आदमी है, हम कहाँ से जगह दवा दें। यहाँ 10-10 बीघे के 5-5 बीघे के जमींदार हैं और अस्पताल के लिए कम से कम 500-400 बीघे जमीन चाहे। और यहाँ पे दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चकबंदी भी चल रही। हमने कहा आपके तो आदेश पे एक मिनट में अस्पताल की जगह छूट सके, पर वहां पे कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ बकवास से सिवा कुछ नहीं है। सरकार इसलिए बनाई थी कि सच्ची ईमानदार सरकार है, पर इस तरह बेईमान सरकार मुझे तो कोई लग नहीं रही। लेकिन योगी जी और मोदी जी का कहना है कि विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है नहीं, 2000 रुपये योगी जी ने कहा था, आपने कहा ना हमने कहा, आज तक लू पूछ लो किसके आए। सिलेंडरों की वितरी करी थी, जिनका सिलेंडर 20-20 दे रहे उनका सिलेंडर है, उस गरीब आदमी के घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचा। आपका नाम? ठाकुर कुशलपाल, नगड़ा पिथौरा। क्या कहना है? विकास कार्य बिल्कुल रद्द है, सरकार बिल्कुल अपने कागजों में ही पूर्ति हो रही है, हमने विकास कर रहे अन्य बिल्कुल ठप है। लेकिन चुनकर तो आप ही लोग भेजते हैं आधार पे उन्हें जिता। अभी आगे 22 आवागा 24 आवागा ये तो जो अब जब सरकार ने दिया, जो जितने भी गाँव है जहाँ वोट के हिसाब से उन्होंने आरक्षण करा, आगे हम कर देंगे। और आंदोलन के तरीके से हम मैसेज पहुंचा भी रहे और आगे वोट के विकास कार्यों की बात करें तो आपका क्या कहना? आपका नाम सुबोध कुमार। सुबोध जी आपका क्या कहना है? आप विकास तो आपने देख लिया होगा, मुझे मुजफ्फरनगर से आ रहे सारी सड़क टूटी पड़ी, देहात में निकल लो किसी भी गांव में, ना कोई जिला पंचायत वाला करा रहा ना कोई करा रहा, विकास नाम की चीज तो है ही नहीं। बहुत आ रहा है सरकार से, फिर विकास कार्य कहां हो रहा है? अब पैसा सरकार के खाते से चले या नहीं चलता तो सरकार जाने। सरकार तो रोज की घोषणा कर रही है हमने इतना रुपया दे दिया इतना दे दिया, ना बिजली का बिल का ध्यान करके इतना रेट बढ़ रहा है, बिजली का 4 गुने बढ़ा दिया 2000 में लोगों को बका रहे। अब इसके बाद में देख लो आरक्षण में क्या हाल कर दिया, स्वर्ण जाति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये कानून तो नहीं बनाते, एक देश एक कानून। बिल्कुल, क्षेत्रवासियों से बात करने के बाद पता चला कि सरकार की सारी योजनाएं विफल होती नजर आ रही हैं, बंदरबांट किया जा रहा है योजनाओं को। योजनाओं के नाम पर जिला प्रशासन की बात करें तो बंदरबांट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अभी हम बात करेंगे। आपका नाम? ठाकुर पूरन सिंह। ठाकुर पूरन सिंह जी से हम बात करेंगे। ठाकुर पूरन सिंह जी, ये बताइए कि यहाँ पीपल छा के रहने वाले हैं, किस तरह की यहाँ परेशानियां इस गांव वासियों को हैं? जिला पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। देखो आप पहले तो एक चीज का ये अंदाजा लगाओ कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, 5 साल में एक चुनाव होगा, उस चुनाव में लोगों को प्रलोभन दिए जाएं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो प्रलोभन है वे बढ़िया शराब पियाने के हैं, बढ़िया पकौड़ी खवाने के हैं, बढ़िया सड़क बनवाने के हैं। कोई जिला पंचायत, कोई विधायक क्षेत्र में आकर गांव वालों के बीच में इनके दुख को, इनके सुख को सुनने वाला नहीं। ये लोग प्रयास करें, हर बार 70 साल से इसलिए ठगे जा कि हर बार जब चुनाव आवे तो इन्हें एक लालच दिया जा, इस बार हमारी सरकार आई तो आपका कर्जा माफ करेंगे, इस बार हमारी सरकार आई तो आप लोगों की 3000 रुपये मासिक पेंशन करेंगे, इस बार हमारी सरकार आई तो किसान सम्मान निधि शुरू करेंगे। लेकिन आप कमाल की बात है कि आप सर्वे कर रहे, आज आप गाँव में आए, धन्यवाद के पात्र हैं कि गाँव वालों से आपने बात करी,
अगर यही बात मैं बंद कमरे में आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहता तो ये आरोप लगता कि ये नेतागिरी करें, इसलिए इस प्रकार की बात करें। आपने सब लोगों के विचार सुने, विकास नगण्य है और विकास का नाम पे जो उगाही करी जा रही वो बिल्कुल 100% सत्य है, विकास से ज्यादा उगाही है। आप अंदाजा लगाओ, सरकार ने 86,000 किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ करा और ये सब किसान है यहाँ। आप ईमानदारी से इनसे पूछ लें कि यदि 2,15,00,000 किसान उत्तर प्रदेश में थे, 2,15,00,000 में तो 86,00,000 किसानों का कर्जा माफ करा गया और इन सब लोगों को भी ब्याज देना पड़ा। और जो लोग 2,15,00,000 में से बचे 86,00,000 घटा के, उन लोगों ने 4% ब्याज की देना था, जो फिर वो 11% 14% तक ब्याज दिया। मतलब सरकार ने जो 36,000 करोड़ रुपया माफ करा उससे 3 गुना पैसा इन्हीं किसानों से अपने खाते में वापस ले लिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के हर व्यक्ति, हर समुदाय को जिस चीज की आवश्यकता होती है, चुनाव में उम्मीदें जगाई जाती हैं, चाहे वो सड़क की बात करें, चाहे नाली खड़ंजों की बात करें, शौचालयों की बात करें या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस गाँव में कितने लोग महरूम रहे और कितने लोगों को लाभ मिला है। देखो आप एक बात समझ लें, सबसे कल्याणकारी यदि कोई योजना है जो इंसान को अंदर से महसूस हो वो है उसके बच्चों की शिक्षा, उसके बच्चों का स्वास्थ्य। आप यहाँ पूरे क्षेत्र में घूम के देख लो कि यहाँ एक भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जिसमें हम अपने बुजुर्गों को ले जा, मेरा जुगाड़ नहीं है तो मैं चला जाऊं कि भाई मैं इस हॉस्पिटल में ले जाऊंगा और यहाँ मेरा फ्री इलाज हो जाएगा। एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें आप ये कह दें कि भाई मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा लूं तो मुझे यहाँ फीस ना देनी पड़े, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। रही बात शौचालय की, सामुदायिक शौचालय बनाए सरकार ने, 6,00,000 रुपए से लगा के 8.5 लाख रुपए तक की वो योजना थी। आप गाँव में जाओ और ईमानदारी से सरकार उनका निरीक्षण करवावे, एक भी सामुदायिक शौचालय में 2,00,000-2.5 लाख रुपए से फालतू पैसा लगा हुआ नहीं है। और आपने देख लिया वो एक घटना हुई थी जिसमें वो मुर्दे को फूंकने के लिए गए थे और वो जो लोग गए थे एक मुर्दे को फूंकने के लिए, लेकिन वहां 22 लोग उसी भेंट चढ़ गए, उस कालाबाजारी की उस भेंट चढ़ गए, उस 2 नंबर के सीमेंट और रेते की। ऐसे ही गांव में आप जाओगे शौचालय में जाओ आप, आधे शौचालय बंद पड़े। लेकिन सरकार का कहना यह है कि सभी ग्रामों में, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सभी ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण अंचलों में शौचालयों का पूर्ण रूप से निर्माण किया जा चुका है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चला कि कुछ लोगों के पैसे ही नहीं आए, कुछ लोगों के बने नहीं, या किसी ने अपने ही स्वयं के पैसे से यहाँ निर्माण कार्य किया। देखो आप दो बात समझें, सरकार क्या कह रही और कहने के बाद क्या कर रही। 15,00,000 रुपए की बात हो, सब किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो, हर घर में सिलेंडर देने की बात हो, ये सब बात ढकोचले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेंडर नहीं आए, शौचालय नहीं बने, मेरा सवाल ये नहीं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन एक पात्र व्यक्ति तक उन सब योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, ये सत्य है और पूर्ण रूप से सत्य है। और जो सरकार के खिलाफ ये सब लोग वोटर हैं, ये हर 5 साल में वोट दे, में इन्होंने अभी जिला पंचायत की बात करी के वार्ड 14 से जो इन्होंने जिला पंचायत जिताया था वो अब इसे जिला पंचायत को छोड़ के चला गया अपने वार्ड को। अब आगामी चुनाव की बात करें तो आपकी क्या रणनीति है इन समस्याओं को देखें? देखो समस्या एक है, इस बार सब लोग त्रस्त हैं, इस बार ये सोच समझ के वोट देंगे और जो इनके काम पे खरा उतरेगा या वो खरा होने का वादा करेगा तो वो चुनाव लड़ेगा। जीतने के बाद यदि उसने 6 महीने में काम शुरू नहीं करवाया अपने वादे के अनुरूप, 1 साल में काम अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा तो उसे चुनाव में ही उसी 1 साल के अंदर उसका विरोध करके सरकार से मांग करेंगे कि वहां पुनः चुनाव हो और इसे यहां से हटाया जाए। अभी तो बात ही नहीं की जा सकती कि उम्मीदवार कौन है, आरक्षण का भी यहां पे मुद्दा चल रहा है। आरक्षण की बात करें तो कितना संतुष्ट है, कितनी आबादी है यहां, किस तरह से आरक्षण जिला प्रशासन द्वारा किया? देखो जिला प्रशासन और शासन एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। आप ये समझें कि आरक्षण में ये नहीं कह रहा कि 80 OBC सामान्य को नहीं मिलना चाहिए, स्वतंत्र भारत है, सबको अधिकार है देश में रहने का, राज करने का, वोट गिरने का। जब सामान्य के गांव में OBC के लोग वोट गिरे, 80 के लोग वोट गिरे तो जब वो वोट दे सके उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। लेकिन मेरा सवाल ये है
कि जो आरक्षण की व्यवस्था को सरकार लागू करके जहां सामान्य वर्ग की आबादी 90% है वहां पिछड़ी का प्रत्याशी घोषित कर दिया, जहां एक भी एक घर मात्र 3 वोट मंगनपुर में है वो SC में घोषित कर दिया, वहां सामान्य की आबादी 90% है, अपना जसोई गांव है जहां सामान्य मात्र 200 वोट है, सारा गांव पिछड़ी का है वहां सामान्य कर दिया। ये सरकार की दोहरी नीति है। हम कह रहे कि चुनाव, आपने कहा कि थोड़ी देर पहले कि यहाँ बहिष्कार भी हो सकता है चुनाव का, आगामी चुनाव का, उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया? देखो निर्णय तो साफ है, अब क्या साफ निर्णय है, चौपाल ने निर्णय ले लिया कि यदि आरक्षण जैसी व्यवस्था को सरकार समाप्त नहीं करेगी तो सन 2022 और सन 2024 के चुनाव का समस्त ग्रामवासी बहिष्कार करेंगे। आज हमने सारे यहाँ वार्ड 14 के क्षेत्रवासियों से, गांव पीपलसा के ग्रामीण, जो ये चुनावी चौपाल चल रही है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इनसे अलग अलग बात की है हमने यहाँ क्षेत्रवासियों से। इनका कहना ये है कि जिला पंचायत में पिछली योजनाओं में जिस तरह से प्रलोभन देकर उम्मीदवारों ने इन्हें उम्मीद जगाई थी, ना यहाँ पर नाली की कोई व्यवस्था है, ना कोई खड़ंजों की बात है, और शौचालय की बात करें तो शौचालय भी यहाँ घरों से नदारद दिखाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हो, सभी से इन ये लोग वंचित है। और आज इस चौपाल में इन लोगों ने सभी ने मिलकर सरकार का विरोध जताया है और आगे में चुनाव के लिए जो है ये बहिष्कार करने की बात करते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध कर रहे हैं यहाँ क्षेत्रवासी, किस तरह से विरोध कर रहे हैं, आप इनकी पीड़ा देख सकते हैं कि पिछली योजनाओं में जिस तरह से इन्हें लाभ नहीं मिला, और इस बार शासन और जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण में भी इनसे दोहरा व्यवहार किया गया है। 6,000 की आबादी स्वर्ण जाति के लोगों पर SC में आरक्षण कर दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं इनका एक दर्द जो है दिखाई दे रहा है तस्वीरों में साफ। मैं हूँ सुनील कुमार वर्मा, ETV भारत, मुजफ्फरनगर।